किचन मैम प्रीतम की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने किचन में बनाएंगे छोटी वाली मछली। छोटी वाली मछली बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है, साथ ही इसे बनाना भी आसान है। तो आज हम बनाएंगे छोटी वाली मछली मसाला फ्राई, वो भी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी का स्वागत है हमारे किचन मंत्री टंकी में। इसके लिए यहाँ हमने 500 ग्राम छोटी वाली मछली ली है, जिसे हम पहले अच्छे से साफ़ करना भी दिखाएंगे। तो यहाँ पहले से साफ़ करते हैं अच्छे से। तो इन मछलियों में से एक मछली हम पहले उठाएंगे, बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे, अंदर से गंदगी निकाल लेंगे और ऊपर से आँखों के पास से भी इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। और अब इसे पानी में डाल लेंगे। दूसरी मछली भी हम दिखाते हैं। एक और मछली उठाएंगे हाथों में, बीच से इस तरीके से कट करेंगे नाखून की मदद से और ऊपर से दबाते हुए गंदगी निकालेंगे और इसके बाद ऊपरी हिस्से से भी आँखों के पास से इसे साफ़ कर लेंगे। तो है ना इसे साफ़ करना आसान। तो इसे पानी में डालते जाएंगे। हमें यहाँ चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यह हाथों से ही नाखून से कट हो जाता है और फिर अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है। इसे साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी सारी मछलियों को साफ़ करने में टाइम तो लगेगा ही। तो कोई नहीं, हमने यहाँ बारी बारी सारी मछलियों को साफ़ कर लिया है। तो अब बारी आती है इसे धोने की। इसमें सबसे पहले डालेंगे आधे नींबू का रस, साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब नमक और नींबू को एक साथ अच्छे से पहले मिला लेते हैं सारी मछलियों में। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए रहने देंगे ऐसे ही। नमक और नींबू से मछलियाँ अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और साथ ही इसमें अपना जो एक अलग महक होता है वो भी चला जाता है। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें डाल लेंगे पानी। हाथों से अच्छे से रब करते हुए इसे साफ़ करेंगे। तो ये एक पानी सामने धो लिया, अब दूसरी बार भी धोते हैं। इसी तरीके से बारी बारी हम कम से कम 5 से 6 बार इसे पानी से धो के साफ़ करेंगे। 5 से 6 बार धोने के बाद ये अच्छे से साफ़ हो चुका है तो इसे अब रख लेते हैं। और अब बारी आती है इसके मसाले तैयार करने की। तो ये मसालों के लिए हमने 10 से 12 लहसुन की कली लिया, 2 टुकड़े अदरक, 1 छोटे साइज़ के प्याज के टुकड़े, 1 चम्मच सरसों दाना, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लाल मिर्च। अब इन सारे मसालों को हम ग्राइंडर जार में डाल के मसाला तैयार करेंगे। तो ग्राइंडर जार ले लेते हैं और इस पर सारे मसाले डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसालों का पेस्ट तैयार है। तो अब इसे एक अलग कटोरी में रख लेते हैं। अब इन मसालों को हम मछलियों में डाल लेंगे। तो अब इन मछलियों में सारे मसाले डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नींबू का रस 1 टुकड़ा नींबू का रस हम इसमें डाल लेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मछलियों में मिला लेंगे। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद एक कढ़ाई हम गैस पर चढ़ाएंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो अब एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे सरसों तेल। हम यहाँ 5 चम्मच के लगभग सरसों तेल डालेंगे। हमें मछलियों को डीप फ्राई नहीं करना है तो यहाँ तेल कम ही डालेंगे। इसके बाद जब तेल से बहुत तेज़ धुआं उठने लगे तब इसमें मछलियों को डालेंगे। कम चम्मच की मदद से इसमें मछलियों को डालते जाएंगे। हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के कढ़ाई का यूज़ किया है तो सारी मछलियाँ इसमें एक ही बार में आ जाएंगे। अगर हमारा ये कढ़ाई छोटे साइज़ का होता तो हम यहाँ 2 या 3 बार करके मछलियों को फ्राई करते हैं। तो हमने सारी मछलियों को डाल लिया है। अब हाई फ्लेम पे पहले मछलियों के पानी को सूखने देंगे। मछलियों का पानी सूख चुका है तो इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे। दूसरी साइड से पलटने के बाद गैस के फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे।
और इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए फिर से दूसरी साइड से पकने देंगे। अब दूसरी साइड से ये पक चुका है तो फिर से दूसरी साइड से पलट लेंगे। अब गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे और धीरे धीरे इसे पकने देंगे। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। धीरे धीरे आसानी से पलटेंगे ताकि मछलियाँ टूटे नहीं। ये देखिए अब एक साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन हो रहा है ये, तो फिर से दूसरी साइड से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन होने देंगे। दोनों साइड से गोल्डन होने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो सके। तो ये बहुत अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है, इसके मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, साथ ही मछली भी अंदर तक अच्छे से पक के तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी फ्राई हो चुका है। तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, साथ ही यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही चटपटे स्वाद वाला ये मछली है, मसाला फ्राई है छोटी वाली मछली की और ये बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान सी रेसिपी है छोटी वाली मछली की और साथ ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्पी सा इसका टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया हो और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें।